है, तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इसको यार तस्लीम करो, इसके साथ कोई रवाबत कायम करो। देसी कंट्रीज की वाइब नहीं होती, सेम उसी तरह वाइब आ रही है इधर भी। नो ईरान, ईरान ओके। आर्मेनिया जो है रैंकिंग के लिहाज से, आर्मेनिया की जो गर्ल्स हैं वो दुनिया में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी मैंने ये लाख निकलवाया, ये देखें 20-20 के भी आए हैं सारे। और ये भी प्रॉपर कट्टर क्रिश्चियन है। और अगर आपने कोई आर्मेनिया लड़की से शादीशुदी करनी है, ईरान और जो इनका आर्मेनिया का वैसे भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, कि अगर आप महंगाई के दौर में कहीं और हॉलीडेज नहीं कर सकते तो बेहतर आप आर्मेनिया आ जाएं। यहाँ पे आप कोई कराची में नहीं बंदा आ गया, ये देखिए कि अभी दुश्मन देश में, मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई धोखा हो। हेलो, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, अभी तक आप थोड़ा सस्पेंस में होंगे कि ये बंदा किधर जा रहा है और कौन से इसने दो दुश्मन देश कहे थे और कौन सा दुश्मन देश नंबर वन है जहाँ पे जा रहा है। तो जी, दुश्मन देश नंबर वन का जो आपका सस्पेंस है वो तोड़ते हैं, वो है जी आर्मेनिया। आर्मेनिया एक कंट्री है जो अज़रबैजान और जॉर्जिया और रशिया के बिल्कुल करीब है, और इसका एक डिस्प्यूट है अज़रबैजान का और आर्मेनिया का एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से पाकिस्तानी नेशनल वहाँ पर नहीं जा सकते। आपने देखा होगा अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर कि आप सिर्फ लिखा हुआ है कि आप ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक में कारमंद है, लेकिन कंट्री आर्मेनिया पाकिस्तान का, इसके साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। और अगर आप पाकिस्तानी नेशनल, तो उसका वीज़ा लेना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो मैं खैर अपना ब्रिटिश पासपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एनीवे है तो पाकिस्तानी ओरिजिन से हूँ, देखते हैं हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट होती है उधर। और ये कंट्री मेरे लिस्ट में काफ़ी अरसे से था, क्योंकि जियोग्राफी का थोड़ा शौक है और हम जब पढ़ते थे इसके जो सिचुएशन है अज़रबैजान और आर्मेनिया की और पाकिस्तान के जो इसके साथ रिलेशन है वो बड़े ख़राब हैं फ्रॉम डे वन, जब से ये बना था 1991 से। तो हम जाएंगे भी यहाँ से लारनाका से यरिवान एयरपोर्ट, जो उनका यरिवान भी कहते हैं उसको, आर्मेनिया का कैपिटल सिटी भी है और सबसे बड़ा सिटी भी है, वहाँ पे जाते हैं। और हमारी फ़्लाइट है 10:35 पे, अभी 9:30 बज चुके हैं इधर लारनाका साइप्रस में। तो दुआ है कि हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छी हो, फ़्लाइट अच्छी गुजरे और वहाँ पर टाइम भी बेस्ट है, जो है वो भी अच्छा गुजरे और जो वहाँ पर चीज़ें वो आपको दिखाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। तो स्टे ट्यून, आप उम्मीद है मुझे ये ट्रिप लाजमी इंजॉय करेंगे। इसके बाद एक और है दुश्मन देश नंबर टू, तो आपने मेरे साथ रहना, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच। तो वेलकम इन यरिवान आर्मेनिया। हम आर्मेनिया पहुंच चुके हैं और होटल रूम में मैं आ गया हूं। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस था, क्या अच्छे लोग हैं यार ये, इतने फ्रेंडली लोग मैंने नहीं देखे कभी भी किसी कंट्री में। होटल स्टाफ बहुत ही आला था और टैक्सी वाले थे जो होटल ने अरेंज किए थे वो भी बहुत ही अच्छे थे। तो अभी मैं अपने रूम में आया हूँ यही, और यहाँ पर हम गुजारेंगे अपनी ज़िंदगी की दो नाइट्स। और बड़ा अच्छा रूम है, छोटा थोड़ा साइज़ का, लेकिन एक बंदे के लिए बहुत ही इनफ है ये स्पेस। और देखें डबल बेड लगा हुआ है साथ इधर, ये बड़ा मुझे ये बड़ी चीज़ पसंद है, ये जो वुड वर्क हुआ हुआ है ऊपर, और ऊपर से ये रोशनदान सा बना हुआ है, विंडो ऐसे खुलती है। अगर आपको सर्दी लगे तो क्लोज़ कर दे, लेकिन मौसम यहाँ का जो है ना बड़ा नाइस है। और ये शावर है अच्छा, मतलब इतना बुरा नहीं है, छोटा साइज है रूम का बट स्टिल ओके। और अभी हम करते हैं अपनी स्टे आर्मेनिया में, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आर्मेनिया में। और पता है आपको आर्मेनिया और पाकिस्तान दोनों की बिल्कुल नहीं लगती, और पाकिस्तान तो इवन आर्मेनिया को अभी तक तस्लीम भी नहीं किया शायद, ये आपको पता हो, पाकिस्तान इसको कंट्री ही नहीं मानता। तो अभी हम जाएंगे थोड़ी देर बाद बाहर, एक्सप्लोर करते हैं आर्मेनिया की जो सिटी यरिवान को, जो कि इसका कैपिटल सिटी है और यही सबसे बड़ा सिटी भी है इसका। तो अभी जाते हैं थोड़ी देर बाद बाहर, खाना वगैरह खाते हैं और भी फ्रेश होते हैं। जी, तो आप ये देख सकते हैं ये यरिवान सिटी में जो इनकी एक फैक्ट्री है नोया, बहुत ही फेमस है, इसकी वजह से आर्मेनिया भी ये जो बनाते हैं ब्रांडी वाइन वोडका वगैरह,
और क्योंकि ये बहुत ही इसमें फेमस है, इसकी ये फैक्ट्री इधर है और बहुत ही हिस्टोरिकल सी फैक्ट्री है, लेकिन अपना कोई लेना देना नहीं है इस तरह के ड्रिंक्स के साथ, तो कोई आगे प्रोग्राम नहीं है इधर विज़िट वज़िट करने का। लेकिन है काफ़ी पुरानी, 1877 में ये बनी थी, तो अरारत है, यारीवान नोए अरारत ऊपर लिखा भी हुआ है और 1877 से ये तब तक इधर है। एक चीज़ मैंने यहाँ पे बहुत देखी है, ये पुलिस की प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा इधर, और हर कोने कोने के आपको पुलिस नज़र आएगी आपको, और इनकी इस तरह की बाइक्स हैं इधर, और ऑलमोस्ट एवरीवेयर यू सी पुलिस। रोड क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है इधर से, देखें सही वो ही जिस तरह हमारे देसी कंट्रीज की वाइब नहीं होती, सेम उसी तरह वाइब्स आ रही हैं इधर भी। तो अभी मैं बस वॉक अराउंड कर रहा हूँ, आया था थोड़ी देर रेस्ट की, उसके बाद इधर आए हैं हम, तो यूज़ कर रहा हूँ गूगल मैप ऑफलाइन, क्योंकि यहाँ पे यूके की सिम्स वगैरह नहीं चलती, तो वही ऑफलाइन पे अभी भरोसा है। अभी मैं करेंसी यहाँ पे बड़ा विड्रॉ करने का इशू था, तो अभी ये करेंसी विड्रॉ की इनका ये 5000 नोट है, इस तरह बड़े बड़े नोट हैं, तो गुड थिंग के मेरा जो एक कार्ड है ट्रैवल कार्ड मैंने स्पेशली रखा हुआ है, रेवोलूट आपने सुना होगा, वो ईज़िली यहाँ पे चल जाता है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा है। तो मैंने पहले 5000 चेक किया, ये 5000 का नोट है, इस तरह इनके बहुत बड़े बड़े नोट हैं। ये नहीं पता इस 5000 से आप ले क्या क्या सकते हैं इतनी ये में, हमें को काफ़ी डी वैल्यू है इनकी करेंसी ना। तो अभी मैंने ये लाख निकलवाया, ये देखें 20-20 के भी आए हैं सारे, तो अभी देखते हैं इससे मैं क्या क्या ले सकता हूँ। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ब्लू मॉस्क है यारीवान में, जो कि बहुत ही एक हिस्टोरिकल सी मॉस्क है यहाँ पे, और आई थिंक ये एक ही मॉस्क है यारीवान सिटी में जो कि बहुत ही फेमस है, और आई डोंट नो यहाँ पे भी इनमें अलाउ की है जमात वगैरह होती है नहीं। अगर आप इस मॉस्क को देखें तो इस तरह जैसे ईरानियन कल्चर में नहीं होती जिस तरह मॉस्क, उसी तरह सेम जैसे ईरान में नक्शो नगार वो जिस तरह मॉस्क को बनाते हैं, तो ईरान और जो इनका आर्मेनिया का वैसे भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, इनकी टूरिज्म भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, तो अंदर जाके देखते हैं अंदर से मॉस्क कैसी है, यहाँ पे नमाज भी अलाउ करते हैं नहीं। मैंने देखा काफ़ी टूरिस्ट प्लेस बनी हुई है ये भी काइंड ऑफ ना, तो देखते हैं अंदर से कैसी दिखती है। ये देखें जी बड़ी वही पुराने डिज़ाइन में, इसका जो आर्किटेक्ट है वो देखें जैसे पुराना वो तो डिज़ाइन होता है, वही नक्शो नगार ईरानियन जैसे कल्चर है उस तरह इन्होंने शो किया हुआ है। लाइब्रेरी रिसेप्शन एरिया भी है इधर, तो ये ईरान और आर्मेनिया के जो ताउन है उस वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के, ये देखें काफ़ी नाइस लगती है इधर से, बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बड़ी रिलैक्सिंग सी जगह है, बड़ी पीसफुल। मुझे यकीन नहीं था कि यारीवान में ये भी होगा ये सारा कुछ। तो भी मैं मॉस्क के निचले वाली साइड पे आया हूँ, जो आप बिल्कुल नीचे खड़े हो सकते हैं, जो फ्रंट एंट्रेंस है यहाँ पे, और आप देखें डिज़ाइन में बहुत ही वो ज़्यादा जैसे वो ईरान में जैसे कल्चर है उनका, कल्चर भी कह सकते हैं, जैसे ईरान में ज़्यादा मॉस्क या इमाम बारगाह वगैरह वो डिज़ाइन करते हैं, सेम उस तरह का ही इन्होंने लुक दे रही है, और मीनार भी है उधर। तो जी अभी मैं मॉस्क के इन साइड में आया हूँ और यहाँ पर मैं अभी नमाज़ पढ़ता हूँ, अल्लाह का घर है हर जगह, तो ये भी एक बड़ी मैं अपने आप को खुशकिस्मत नसीब करता हूँ कि दुनिया के जिस भी मुल्क गया वहाँ पे अल्लाह की ज़मीन पे सजदा किया। अच्छा वैसे मुझे आर्मेनिया की एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि यहाँ पे आप वॉकिंग करें ना, इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी ना बड़ा पीसफुल सा लगता है, हालांकि ये ट्रैफिक इतनी है ना जैसे वो कोई कराची में नहीं बंदा आ गया, ये देखें कोई बहुत ही श्वेत एरा का कोई ट्राम है, बस बनी हुई है जैसे ट्राम होता है, सेम उसी तरह ही है इलेक्ट्रिक बस, लेकिन लगता है बहुत पुरानी है श्वेत यूनियन के दौर की। तो अभी मैं वॉक अराउंड कर रहा हूँ इधर
काफ़ी अच्छा टाउन है, लेकिन यह कि अभी जैसे वो हम डेवलपमेंट देखते हैं मेजॉरिटी दूसरे कंट्रीज़ की, जो इसके नेबरिंग कंट्री है जॉर्जिया हो गया, दूसरा इसके नेबरिंग कंट्री अज़रबैजान जिसकी इनके साथ बिल्कुल नहीं लगती, तुर्की हो गया, तो वहाँ पर डेवलपमेंट यहाँ से थोड़ी ज़्यादा, लेकिन ये कि यहाँ पर आपको ना एक मिक्स सी टच नज़र आती है, इवन यूरोपियन सी टच आती है, या जैसे आप ऐसे लगता है जैसे आप यूरोप में घूम रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ जा रहा हूँ एक एरिया, यहाँ पे रिपब्लिकन स्क्वायर, रिपब्लिक स्क्वायर आई थिंक उसके पास जाते हैं, तो वो भी काफ़ी फेमस है इस साइड पे, तो अभी मैं उधर जा रहा हूँ। ये देखें फ्रेश फ्रूट सेल के लिए, ये बतानी क्या बेर है, फ्रेश फ्रूट। लेकिन यहाँ पे ये ना ईरानियन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, मैंने देखे हैं, अभी देखे आप, मैंने मॉस्क भी दिखाई है, वो भी ईरान के ही कॉपरेशन से इन्होंने बिल्ड की थी, और काफ़ी ईरानियन का जो है ना वो बंदे भी नज़र आते हैं। तो भी मैं यहाँ पे रोड से गुजर रहा था, मुझे एक ये वैन नज़र आई है, इस पर टूर अगर आपने करना हो तो टूर वगैरह भी यहाँ से करवाते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं कौन सा चूज़ करूँ यहाँ पे, उसने रेट्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, इनके ड्राम करेंसी का नाम है जो मैंने आपको पहले दिखाए थे, इनके नोट्स बड़े बड़े हैं, तो ये उसने लिखे हुए हैं, अभी मैं देखता हूँ मैं कौन सा बुक करूँ। तो बस ये खातून काफ़ी देर से अभी डिसाइड कर रही हैं, तो देखते हैं कब ये फारग होंगी और फिर हम अपना कोई टूर इधर से अरेंज करते हैं। और अगर तो ये कुछ इनसे भी डर सा लगता है, कभी कभी ये पैसे लेते हैं फिर यहाँ पे हम आएंगे तो ये होंगे ही नहीं, तो बेहतर है अगर बुकिंग हो जाए, कल हम आके इनको पे कर देंगे इस टाइम जब 10 o'clock ये एवरी डे स्टार्ट होता है टूर इनका, तो उस टाइम फिर आके बेहतर है बंदा पे कर दे। तो अभी इस देश में हम दुश्मन देश में हैं, नए नए कहीं धोखा ना हमसे हो जाए, तो यही है कि अभी दुश्मन देश में मैं नहीं चाहता मेरे साथ कोई धोखा हो। तो जी अभी मैं मौजूद हूँ आर्मेनिया के रिपब्लिक स्क्वायर में, आर्मेनिया का सॉरी नहीं यरेवान का रिपब्लिक स्क्वायर, और ये भी काफ़ी खूबसूरत सी बिल्डिंग है इधर, वही बहुत ही हिस्टोरिकल है। ये देखें ये सामने इस साइड पे आप देखें, ये एक और बिल्डिंग है, और ये वाला सामने इनका रिपब्लिक स्क्वायर है, और काफ़ी खूबसूरत आर्मेनिया मुझे लगा, वैसे मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये खूबसूरत है। और आर्मेनिया की एक बात मैं आपको बताता चलूँ, ये चीप बहुत है कंपेयर विद मैनी अदर कंट्रीज़, ये बहुत ही चीप है, तो अगर आप यूरोप में हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं तो सेम इतनी कॉस्ट में आप ना यहाँ पे 4 holidays ईजिली कर सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक का बड़ा मसला है, रोड क्रॉसिंग आपने ध्यान से करनी है, बट अच्छा है, कंट्री बहुत सही है, लोग बड़े अच्छे मुझे लगे, पोलाइट से लोग हैं और काफ़ी वेलकमिंग है, वो किसी चीज़ को फोर्स नहीं करते, जैसे मेजॉरिटी होता है ना कि किसी जगह पे आप जाओ कोई चीज़ वगैरह देखो तो आपसे फोर्स करते हैं, मगर टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। और मैं कहता हूँ आई डोंट नो कि आर्मेनिया को इतना अंडररेटेड क्यों कंट्री कहा जाता है टूरिज़्म के हवाले से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी फेमस है ये, तो मैं कहता हूँ हमारे मुल्क को भी चाहिए कि इसको यार तस्लीम करो, इसके साथ कोई रवाबत कायम करो, कॉन्टैक्ट्स कोई बनाओ यार इनके साथ, अभी तो आपका भाई भी इधर आ गया, अभी तो आपको चाहिए कि कोई इनके साथ एम्बेसी वम्बेसी खोलो, कोई सफारती ताल्लुकात बहाल करो।
आप आर्मेनिया में खासकर यारीवान में जहाँ भी आएँ तो यहाँ पे ये जो फाउंटेन से लगे होते हैं ये पानी वाले, ये स्प्रिंग वाटर बेसिकली होता है और वो उसी से पानी आ रहा होता है और ये स्प्रिंग वाटर है और इसको ऐसे आप आराम से पी सकते हैं और हर बंदा इधर से पीता है, ये हर जगह आपको नज़र आएंगे। अभी हम भी इसको ट्राई करते हैं। ओहो, ये इतना ठंडा है ना जैसे फ्रीज़र का पानी नहीं होता उस तरह, क्योंकि ये वो सारा चश्मों का पानी होता है इधर का, कुछ जगहों पे इस तरह इन्होंने रखे होते हैं। और ये जो है ये एक म्यूज़ियम है, हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ आर्मेनिया, जो कि लगता है अभी क्लोज हो गया। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अंदर हेरिटेज जो इनका आर्मेनियन म्यूज़ियम, तो ये हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ आर्मेनिया है और इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें भी हैं। यहाँ पे आप पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे इधर पड़ी हुई हैं जो कि डेट बैक टू मतलब काफ़ी 21st सेंचुरी से 19th सेंचुरी तक, जो BC है नॉट AD, उससे पहले की भी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। ये देखें अभी ये जो चीज़ है ये 21st सेंचुरी से 19th सेंचुरी BC, इसी मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले उस टाइम की भी चीज़ें इधर पड़ी हुई हैं। और ये भी कुछ हैं आइटम उधर, तो अभी आई डोंट नो ये खुला हुआ है या नहीं, अभी हम देखते हैं अंदर जाके। और फिर वही जेनोसाइड का जो इधर है प्रॉब्लम, आर्मेनिया ब्लेम करता है कि हमें जो इन्होंने जेनोसाइड किया इन्होंने टर्की ने हमारा, तो उसकी वजह से एक ये पॉलिटिकल मैटर है, इस पर मैं बेहतर कमेंट ना करूं क्योंकि हम किसी को राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते। हमारा काम है आपको जगह दिखाना, खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाना, ना कि किसी पॉलिटिकल डिबेट में पढ़ना। तो ये भी देखें काफ़ी इधर वो भी पड़ी हुई हैं चीज़ें, और इसका आर्किटेक्ट देखें कितना खूबसूरत है। और ये आर्मेनिया का फ्लैग है, ऑरेंज ब्लू और रेड इसका कलर है, किस तरह का फ्लैग होता है इनका आई डोंट नो। अभी देखते हैं कि म्यूज़ियम खुला हुआ है या नहीं। ये देखें वो हेरिटेज इनका जो पुराना था उसको इन्होंने, ये इनका कोई पादरी था। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, आर्मेनिया जो था ये फर्स्ट कंट्री था जिसने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था एज ए रिलीजन, और ये डेट बैक टू 400 BC, मतलब आप यूसुफ मसीह अलैहिस्सलाम के 400 साल तकरीबन उसके बाद, 300-400 साल के बाद आर्मेनिया जो फर्स्ट स्टेट थी उसने क्रिश्चियनिटी को एज ए क्रिश्चियन मज़हब तस्लीम किया था, और ये पहली क्रिश्चियन स्टेट है। और जो यारीवान सिटी है ये भी दुनिया का सबसे पुराने सिटीज़ में आता है। अभी तो खैर ये मॉडर्न है, यहाँ पे आपको यूरोपियन लुक भी नज़र आएगी और थोड़ी रिलीजियस टच भी नज़र आएगी। और एक और बात बताता हूँ चलूँ आपको, आर्मेनिया में जो क्रिश्चियंस हैं ये प्रॉपर जैसे वो हमारे कहते नहीं कट्टर मुस्लिम है, और ये भी प्रॉपर कट्टर क्रिश्चियन है। और अगर आपने कोई आर्मेनिया लड़की से शादीशुदा करनी है तो पहले आपको क्रिश्चियन होना पड़ेगा चर्च में जाके, फिर आप कहीं जाके शादी कर सकते हैं। तो अगर आप मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं ना तो पहले ये चीज़ मद्देनज़र रख लें, अगर आप इस चीज़ के लिए एग्री हैं तो फिर किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार होना। और वैसे भी आर्मेनिया जो है रैंकिंग के लिहाज से आर्मेनिया की जो गर्ल्स हैं वो दुनिया में पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। पता नहीं उसमें वो किम कर्दशियान की वजह से या किस वजह से, वो भी इधर की थी। किम कर्दशियान जो है एक एक्ट्रेस है अमेरिकन, वो भी बेसिकली उसकी जो एथनीसिटी है वो आर्मेनियन है। और भी आर्मेनिया के काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं एनीवे, तो ये एक जस्ट लाइक जनरल सा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। अभी हम यहाँ से देखते हैं पोमीग्रेनेट, अगर जूस मिलता है तो बड़ा हेल्दी है सेहत के लिए। पोमीग्रेनेट्स तो काफ़ी पड़े हुए हैं, देखते हैं अगर इनका जूस अगर हमें मिल जाता है प्योर वाला। कहने का वन पोमीग्रेनेट जूस हाउ मच इज इट? 2,500। ओके, बिग वन या प्लीज? नो, बिग इट इज 3,500। दैट्स फाइन, बिग वन प्लीज। बिग? बिग, या। यस, वन मोमेंट। थैंक यू। तो पोमीग्रेनेट का प्योर जूस 3,500 ग्राम का। मुझे आर्मेनिया की सबसे अच्छी बात लगी है चीप बहुत है, ऑनेस्टली इतना चीप है ना कि अगर आप महंगाई के दौर में कहीं और हॉलीडेज़ नहीं कर सकते तो बेहतर आप आर्मेनिया आ जाएं, यहाँ पे आप हॉलीडेज़ करें, यहाँ पे आप इंजॉय करें।
और लोग बड़े फ्रेंडली हैं, इनका जो वो बोलने का अंदाज़ है रूड नहीं है, पोलाइट है, उनको पता है अगर ये टूरिस्ट है आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि मुझे पाला पड़ा कि मैं थोड़ा सा उधर कन्फ्यूज था, मेरा इंटरनेट नहीं काम कर रहा था, जगह नहीं मिल रही थी, तो हेल्प करते हैं लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं। इस तरह बनता है पोमीग्रेनेट जूस इधर आर्मेनिया में, प्योर वन। सारा स्क्वीज़ कर रहे हैं, इसमें कोई वो ब्लेंड नहीं उन्होंने किया, प्योर जूस होगा इसका। लुक इट्स प्योर जूस, ऑल सीड्स, इट्स आर्मेनियन, आर्मेनियन पोमीग्रेनेट, नो ईरान, ईरान, ओके, ईरान पोमीग्रेनेट, ओके, नॉट इन आर्मेनिया, नो, ओके, आर्मेनियन इट इज उजे क्लोज, ओके, इट्स क्लोज्ड, ओके। सो जस्ट अ क्लैरिफिकेशन, ये आर्मेनिया का पोमीग्रेनेट नहीं है, ये इनका ईरान से आया, तो प्योर जूस है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई शुगर नहीं है, तो बहुत ही नाइस है। तो हमने ले लिया अपना पोमीग्रेनेट जूस जो कि प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई आइस नहीं है, और सही ठंडा है क्योंकि इसको पोमीग्रेनेट को इन्होंने ठंडा किया होता है, तो इस वजह से। तो ये तकरीबन 3500 ड्राम का, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं वो, इसको ड्राम ही कहते हैं, AMD भी कहते हैं, और बड़ा बड़ा चीप है वैसे ना अगर देखा जाए तो। अभी हम जूस को करते हैं इंजॉय, वही रिपब्लिक स्क्वायर का एरिया फिर आ गया, उधर बैठ के आराम से जूस इधर से पीते हैं, और फिर कहीं खाने की जगह ढूंढते हैं, और मगरिब की नमाज भी उसी मस्जिद में पढ़ेंगे जो ब्लू मास्क देखी थोड़ी देर पहले। तो अभी जूस फिनिश करते हैं, फिर जाते हैं वहाँ पर मगरिब पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कोई खाना खाते हैं। फिर कल मैंने टूर अरेंज किया, आपने देखा होगा उस वीडियो में, तो उस टूर में भी कल जाएंगे, 5 जगह दिखाएगा हमें, तो बड़ा कल आई थिंक मज़ा आएगा। थैंक यू।